वेलकम बैक टू लाइफ वायर ट्रांसमिशन आई मे होस्तार खान जावेद ना इस टाइम टू डि रियल इस्टेट सेक्टर नाजिन रियल इस्टेट की uh, क्या प्रॉस्पेक्ट्स uh, हैं इस पर हम बात करने के लिए हमने दावा दी है uh, समी रहमान साहब को जो कि फाउंडर मेम्बर हैं पी आर ई आई एफ के e. और uh, इन मामल पर इनकी बड़ी गहरी नज़र है uh, समीर साहब आज कल जो ए, एक जो हम आम आ, हम जैसे लोग प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं तो वो वो लोग कहते हैं कि ट्रांसफ़र ही नहीं हो रहा कुछ भी इवन के जो इनहेरिटेंस की जो ट्रांसफ़र्स हैं जैसे हमारे एक अजीज का इंतकाल हो गया अब उनको बच्चों को वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होना है वहाँ तो कोई सेल परचेज़ नहीं हो रहा वो भी रुका हुआ है तो ये ये कैसे चलेगा इस निज़ाम हाँ नहीं अगर यही हालात रहे तो ज़ाहिर है हर आम आदमी भी इस पर इफेक्ट होता है लेकिन सारे ट्रांसफर तो खैर बंद नहीं हुए जो लेकिन आपकी इनहेरिटेंस वाले इनहेरिट नहीं उसमें मसल, जो इश्यूज है ना जैसे कि अगर आपकी प्रॉपर्टी है और किसी बिल्डिंग में है कोई फ्लैट है दुकान है या कोई भी हिस्सा है उस पार्ट का तो जो हमारे जो नए बाई लॉज आए ये एकदम नया कानून आ गया कि उस बिल्डिंग का कम्प्लीशन उसका अप्रूवल और उसके सारे डॉक्यूमेंट्स जो है न वो कम्प्लीट होने चाहिए तो ये शहर में पुरानी बिल्डिंग है जो दस साल बीस साल पच्चीस साल तीस साल मख्तल अदवार में बनी और जो बिल्डर्स ने उस ज़माने में कोई इतनी सख्ती नहीं थी कि इसको मैं कम्पटिशन कराना बिल्डर कराना बनते बनते ही गायब हो जाते बनते बनते गायब हो गया बना के बेच गया और वो इनिशियली नॉर्मली जो होता है यहाँ पर जो प्लॉट बिल्डर ख़रीदता है ख़रीदने के बाद ही बुकिंग अनाउंस कर देता है लोग बुक कर लेते हैं और साइमटेनियसली एक से दूसरे दूसरे को तीसरे ट्रांसफ़र हो जाता है और जब ये ट्रांसफ़र होने के बाद वो अपनी पेमेंट ले वो एक तरफ हो जाता है ना उसका कंपटिशन होता है ना उसके कोई नक्शे जय जो अप्रूव बिल्डिंग प्लान होते हैं और जो कंप्लीशन प्लान में उसमें इतनी काफी गैप होता है गैप होता है, है।, होता है और उसमें बायलॉज चेंज हो चुके होते हैं उसमें वायलेशंस भी हो चुकी होती हैं वो उसके साथ इनकॉपरेट नहीं हुई होती है तो एक आम आदमी जो है वो तो उसने अगर सपोज उसके वाले साहब ने एक चीज़ ख़रीदी हुई थी और वो अपने रजिस्ट्री करा के रजिस्ट्रार के पास बैठा हुआ आराम से अब उसका इंतकाल हो गया हाँ अब वो इंतकाल हो गया उसके बी बेवा और बच्चे यतीम बच्चे हैं वो जाते हैं ट्रांसफ़र के लिए तो अब रजिस्ट्रार के पास जाएंगे वो जी इसका तो ना कंप्लीशन नहीं हुआ हुआ इसका अप्रूवल लेकर आओ इसके और दूसरे डॉक्यूमेंट्स लेकर आओ वो उस सूरत में जो है जो है उसको जहरे जनवन केस होने के बावजूद ना करदा गुनाह की सज़ा उन बच्चों को यतीम को तो आजकल स्टार लोग कुछ भी नहीं कर रहे हैं। बैठे हुए छुट्टी पे चले गए <laughs> बस ये कि वो ऐसा सूरत हाल कुछ ऐसी है और अगर ये कानून इसी तरह रहेगा तो जो है जहर है ये मतलब। रजिस्ट्री तो होनी नहीं, नहीं है तो कम से कम इतना तो करें कि उन गरीबों को कहें कि भाई जाओ छः महीने की छुट्टी <laughs> करें <laughs> जाओ अपने घर भर में रहो <laughs> जब हमारा दिल भर जाएगा तो कानून हाँ। फिर से अलाउ कर देंगे तो आ जाना ड्यूटी हाँ तो बस ये है कानून बनाया गया सही है मतलब उसमें कोई दो राय नहीं है लेकिन उस पर इम्प्लीमेंटेशन एकदम रातों रात हो जाना एकदम ख्याल आ जाए जो चीज़ शुरू से होनी चाहिए थी तो पुराने जो असूलन जो है ना जो लोगों की पुरानी ट्रांजेक्शन हैं जो बिल्डिंग्स पुरानी हो गई एक एक कट ऑफ डेट देनी चाहिए कि ये आज अगर 2017 से अप्लाई है तो उससे पहले के जितने भी हैं उनको एग्जम्पन देनी चाहिए और आइंदा जो नेक्स्ट जो 2017 के बाद जो नक्शे पास होंगे उनकी जो कम्पटिशन उनकी वो लाजमी कर देनी चाहिए जो पुराने हैं तो उनको इसमें से उसमें इसको एग्जम्पन देनी चाहिए अच्छा ये कौन देता है कम्पटिशन सर्टिफिकेट कम्पटिशन तो के अथॉरिटी है वो देती है के देती है या रेलिवेंट अगर केमसी है, जिस, जिस या, के एम या या हाँ, बोर्ड है डी एच ए है उनके अंडर उनके पास इतनी कैपेसिटी है कि हजारों लाखों पेंडिंग केसेस को डील कर लें नहीं एकदम तो उनके पास भी नहीं बिल्कुल नहीं थोड़े से लोग होंगे उनके पास हाँ ना इतने हैं ना उनके डॉक्यूमेंट्स कम्पलीट हैं वो कर ही कर ही नहीं सकते तो इसके लिए आपको एमनेस्टी देनी पड़ेगी पुराने जितने भी जिस दिन से आपका कानून अप्लाई हो रहा है उससे पुराने जितने भी हैं उनको एग्जेपन देना चाहिए आगे से फिर ये होना चाहिए अच्छा सब ये सिर्फ कराची में है या सिंध में पूरे पूरे सिंध में उन्होंने दे दिए तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ गई हाँ लोगों को बहुत प्रॉब्लम्स हैं और ये अगर इस तरह ही रहा तो हमारा कारोबार जो है आपको, आपको भी छुट्टी पे चले जाना चाहिए आप लोग रिस्टार के साथ कहीं दूर चले जाए नहीं, पे जाने के लिए भी कुछ पैसे चाहिए <laughs> वो भी नहीं है <laughs> उसके लिए फाइनेंसर बड़े कारों से ले लेना <laughs> बहुत होता है भाई हमारा तुम्हारा पुराना साथ है <laughs> जी 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 बड़े तुमको दिए है पैसे से। अब चलो घूम फिर यही <laughs> <जी, जी। laughs> करना जब तक हाई कोर्ट बुलाए नहीं हम आएंगे नहीं तो अच्छा ये इसके अलावा जो और भी इशूज आप लोग के चल रहे हैं कि जी वो जो अभी इन्होंने एक और लगा दी कि ये हाई राइज नहीं बनेगी जी उससे भी तो आप लोगों को काम इफ़ेक्ट कर रहे हाँ जी ये अभी जो नया आया है तो इससे तो बहुत ये तो हमारे लिए अलमिया है क्योंकि हमारी जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है उससे तकरीबन नज़र आने को तो एक बिल्डिंग बन रही है ये एक फ्लैट बन रहे है दुकानें बन रही है उसके पीछे 48 इंडस्ट्रीज़ हैं जो उससे रिलेटेड है सीमेंट है बजरी है सरिया है एक इट तो किसी भी दूसरी दुनिया में आप किसी भी मुल्क की तरक्की को देखना है उसका पैमाना अगर आप देखना चाहते हो तो उसमें क्या आप उसकी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को देख लें अगर वो बूम कर रही है तो बूम तो कर, कर रही है इट मीन जो, जो है।, है उसके जो है आप हाँ। जो है वो मुल्क तरक्की कर रहे हैं तो मसला ये है कि अब दुनिया जो है चांद पे चली गई चांद से आगे मरीख पे चले गई और बड़े बड़े सितारों पे जाने की बातें हो रही है हम कह रहे हैं जी ग्राउंड प्लस टू से ऊपर नहीं जा सकते तो <laughs> ये, पानी की कमी हो जाएगी पानी की कमी देखिए जैसे कि अगर आ, जो ग्राउंड प्लस टू हो तो उस पर पानी की कमी नहीं होगी तो वो ज़मीन फैलेगी वर्टिकल नहीं जाएगा तो हॉडिजेंटल जाएगा नहीं वो एक तो ठीक है वो एक अपना अलहदा मैटर है लेकिन बात यह है कि हमारे यहाँ अलमिया यही है कि एकदम रातम रात कोई किसी को कानून याद आ जाता है सत्तर साल से जो नहीं हो रहा होता और एकदम कानून आ, याद आ जाता है और वो फ़ौर इम्प्लीमेंट हो जाता है उसके प्रोज एंड कॉन्स को नहीं देखा जाता बात यह है कि अगर कानून में यह है कि ठीक है एम्यटीज़ होनी चाहिए ये गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है उन इदारों की जिम्मेदारी है जो उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं आज एक बिल्डर है वो आपने किसी रोड को कमर्शलराइज करा दिया तो उसकी कमर्शियल फीस बिल्डर देता है उसकी टाउन प्लानिंग वालों को देता है मास्टर प्लान वालों को देता है हर चीज़ वो वो अपने पूरे जो, जो लवाजमत है जो जो उनकी फ़ीसें हैं वो हर डिपार्टमेंट्स को जाती हैं अगर वो डिपार्टमेंट्स वो काम नहीं कर रहे या उनमें कोई ख़राबी है या कोई मसाइल हैं तो उसको टेक केयर किया जा सकता है कि अगर सपोज़ पानी का मसला है तो जैसे आप इलेक्ट्रिक को भी देखें इलेक्ट्रिक एक ज़माने में जब अप्लाई करते थे तो के जो है खुद सारी चीज़ें खुद ही अप्लाई खुद ही दिया करती थी और आज क्या सेल्फ फाइनेंस है एक कील भी जो है के ई वाले अपने पास से नहीं देते आपने पी एम टी मीटर हर चीज़ के वो पैसे बिल्डर या आम शहरी उसको दिया देता है इसी तरह अगर पानी का मसला है सीवरेज का मसला है तो इनको टेक केयर किया जा सकता है आप एन जो हैं वो, वो, वो आप रिलेवेंट डिपार्टमेंट से ले जाते हैं आर ओ लग सकते हैं तो हर चीज़ का मसले का हल होता है आप उसको मसले की हल की तरफ़ जाएंगे तो मसले का हल हो जाएगा लेकिन आप सोचिए जी बस बंद कर दो ये चीज़ गलत है तो वो तो दुनिया तरक्की कहाँ चले जाएगा और हम इन्हीं इन्हीं चक्करों में फंसे रहेंगे अच्छा उसको इन्होंने रिलेट किया था कि के फ़ोर और कोई एस एस फोर जो सीवेज और पानी का जो प्रोजेक्ट है वो कम्प्लीट होगा उसके बाद फिर अलाउ करेंगे उस वो उनको उन प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में कितना टाइम चाहिए अभी भाई देखें ये तो बातें हमारे यहाँ हम जो प्लानिंग आती है कि भाई जो चीज़ दी जाती है वो कभी टाइम पर तो होती नहीं ना तो पर ये पर है गवर्नमेंट के काम गवर्नमेंट के काम है या सुबाई या कौम फेडरल के काम है लेकिन बात यह है कि जब आप किसी एक आम आदमी एक आम आदमी का उससे क्या कसूर है एक आदमी ने अगर सपोज कहीं फ़्लैट बुक कराया है मेरे प्रोजेक्ट में बुक कराया आपके प्रोजेक्ट में बुक कराया है तो आपने उसको एन दी हुई है आपने उसको कमर्शलाइज़ किया हुआ है थर्ड पार्टी इसका इंटरेस्ट हो गया उसकी बच्ची की शादी है मसले मसाइल हैं और आप एकदम रात अर आप कहते हैं जी सब बंद हो गया तो ये इसका कोई हल नहीं जैसे आपने बोला ना कि बेवा है उसका इनहेरिटेड फ्लैट है वो कल बेचनी जाना चाह रही है तो बेच नहीं पा रहा जबकि उसका कोई कसूर नहीं है उसने पैसे पूरे देख कर किए तो इसी तरह भी बिल्डर भी एक आदमी उसने जो अपना प्रोजेक्ट बनाया इन्वेस्टमेंट करी है उसके पीछे इंडस्ट्री चल रही है और आप रात हम रात उसको कहते हैं जी आप इसको नहीं बना सकते तो उसका कोई टाइम टाइम फ्रेम है गवर्नमेंट ने दिया हालांकि आप सही कह रहे हैं कि वो होता तो नहीं है के का कोई टाइम है कि कब तक ये कम्प्लीट होगा अब इसका तो मुझे एग्जैक्ट नहीं एक्जेक्ट लेकिन पता लेकिन ये है कि ये तो हमारे ये तो सर बीच में तो पैसा ही नहीं दिया गया था अब पैसा हाँ, से दिया हाँ, गया तो ये आपकी बात सही है कि ठीक है ये सब चीज़ें अपनी चलती रहती हैं लेकिन लाइफ गोज ऑन इट शुड नॉट बी स्टॉप लाइफ बिल्कुल सही बात है। और आ, मेरी समझ में तो ये बात नहीं आती कोई अगर चौ आठवें फ्लोर पर रहेगा तो क्या वो ज़्यादा पानी पिएगा या ज़्यादा वाशरूम जाएगा और अगर वो नीचे ग्राउंड फ्लोर पर रहेगा तो वो कम पिएगा नहीं आठवें और चौथे फ्लोर की बात नहीं है उनका जो कहने का मकसद ये है कि जो से उन्होंने कमर्शलाइजेशन की इजाज़त दी है जहाँ हज़ार गज़ का बंगला है या दो हज़ार गज़ का बंगला है उसमें अगर सपोज़ एक या दो फैमिली रहती थी अच्छा, और उसमें उस आप, उसे कहे। अगर आप उसको मल्टी स्टोरीड करार दे देते हैं ज़ाहिर उसमें ग्राउंड पास दस हो गया बीस हो गया पंद्रह हो गया जहाँ जहाँ जिसकी होती है तो उसमें ज़्यादा मल्टीपल फैमिलीज आके रहना शुरू कर देंगी तो ज़ाहिर उसमें सीवरेज का पानी का इलेक्ट्रिसिटी का ये तमाम मसाइल जो है ये आएंगे ज़रूर लेकिन ये काम जो है गवर्नमेंट्स का होता है ये जब आपने उनको कमर्शलाइज की परमिशन देने के से पहले की बातें है होती हैं तो इसमें एक आम आदमी की कसूर नहीं है पहले तो आपने उसको कमर्शलाइज की परमिशन दे दी और उसके बाद जब वो पैसे ले लिए पैसे ले लिए सब कुछ कर लिया बिल्डर ने अपनी प्लानिंग कर ली पेमेंट लोगों से जमा करके एक प्रोजेक्ट अनाउंस कर दिया बुक कर दिया आपको रात जी जी आप ग्राउंड पर टू से नहीं ऊपर ही बना सकते तो मैं जो बात कर रहा था के अगर ये जो मिसाल के तौर पे पहले थोड़े से लोग रहते थे अब बहुत ज्यादा उस बिल्डिंग में जितने लोग रहने आए उससे पहले भी तो कहीं रहते होंगे ना वो हाँ, इसे पैसे है? भी रहते हैं अगर करते थे ना जी जी पानी तो ये जो फ्लैट वाले कोई नए तो नहीं हाँ, आ जाएंगे ना मरीज से नहीं आए हाँ। पाकिस्तानी है और इसी मुल्क में आपके कहने का मकसदेशन जो है वो तो वही है अगर कराची की सवा करोड़ या डेढ़ करोड़ है वो की वही है वो एक जगह से दूसरी जगह हाँ। जा रही कोई कच्ची आबादी में रहता हाँ। था आज से दस साल अब... आस्ते आस्ते उसके पास पैसे आए तो उसने पक्की आबादी में छोटा सा एक फ्लैट लिया अब उसके हो गए बच्चे बड़े अब उसके बाद अल्लाह ने पैसा और दे दिया अब उसने एक अच्छी स्टैंडर्ड की बिल्डिंग में बुक किया तो वही फैमिली यहाँ से मूव कर रही है ना हाँ। कोई नई पैदा तो नहीं, नहीं हो रही नहीं तो नहीं आ रहा ये, नहीं 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 के लिए कोई लाहौर से तो नहीं उठ के आ जाएगा चौदह फ्लोर पे भी लेकिन ये तो वही बात हो गई जब आप जहाँ पानी लोग खरीद के पीते है ना कोई कराची के अंदर प्यासा तो कोई आपने सुना नहीं होगा की कोई प्यासा मर गया हो लेकिन नल से पानी नहीं आता पानी आपको ख़रीद के पीना पड़ता है टैंकर से आता है ठीक है ना नलों से नहीं आता तो हर एक को पानी तो मिल रहा है लेकिन क्या हमारे सिस्टम की ख़राबी होने की वजह से आपको नलकों से नहीं मिल रहा आपको खरीद के पीना पड़ रहा है तो ये सारा माफिया है जो आप तो, करप्शन है ना करप्शन वही पानी जो आ, आना चाहिए था नल में नल में वो कहीं रोक के उस अपने टैंकर में भर रहा है या फिर ला आपको बेच रहा है ये तो गवर्नमेंट को देखना चाहिए और इस सिले में बीच में एक्शन भी लेने लेकिन और फिर और वार... हमारी जो अदालतें हैं उनको भी आ, उस इस बात का बिल्कुल ख्याल रखना चाहिए कि नज़र ज़रूरीत के तहत भी काम करने चाहिए क़ानून अंदा ज़रूर होता है लेकिन एक देखा भी जाता है उसके पीछे प्रोजन क्रॉन्स क्या है मेरा कतई तालु ये नहीं है कि मैं किसी पे पर बात, बात करूं लेकिन एक जनरल बात कर रहा हूं फैक्ट बात है कि हम भी इसी माशरे का हिस्सा हैं और हम भी चाहते हैं कि हमारी गवर्नमेंट हमारे इदारे तरक्की करें मजबूत हों ऊपर जाएं तो लेकिन इनके हमारे यहाँ जो एडहॉक बेसिस पे जो सारे काम होते हैं ना उसकी वजह से सारे मसाइल जो है ना हो जाते हैं आप प्री पाँच साल की प्लानिंग बनाएं दस साल की प्लानिंग करें आगे की करें ताकि हर आदमी को पता हो कि ये होगा ये होगा उस हिसाब से प्लान करेगा अच्छा एक और जो इशू आप लोग के चल रहा है वो वैल्यूएशन के ऊपर है जी कि जो गवर्नमेंट ने कहा कि जी आ, 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 मार्केट रेट बहुत ज्यादा होती है कंपेयर तो टू डीसी रेट जी तो उसकी एक शेड्यूल आ गई जी अब पहली जुलाई से उसको मज़ीद तीस परसेंट बढ़ा दिया गया और बहुत सारे छोटे शहरों को भी शामिल किया गया उस प्लान में अभी कोई नोटिफिकेशन तो खैर नहीं आया पहली जुलाई का मतलब वो सुन रहे थे लेकिन ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं आया लेकिन पिछले साल दो हजार सोलह फर्स्ट जुलाई से उन्होंने एफ बी आर रेट नया इंट्रोड्यूस किया अब मार्केट के अंदर तीन रेट हो गए एक है तो डी सी रेट जो हमारी सूबाई हुकूमत डिसाइड करती है एक रेट हो गया एफ बी आर रेट जो फेडरल गवर्नमेंट का रेट है और तीसरा रेट जो है मार्केट रेट है जिस पर मार्केट में चीज़ें किसी से ढकी छुपी बात नहीं है ये तीन रेट मार्केट में चल रहा है तो अब बात मैं अभी आपसे पहले यही कर रहा था कि हम अच्छाई की तरफ जा रहे हैं ऊपर की मतलब लोगों की भलाई की तरफ जा रहे हैं लेकिन बात यह है कि हमको एकदम जो सत्तर साल के अंदर जो एक निज़ाम गरम भरम हुआ एकदम हमको ख्याल आ जाए कि नहीं ये तो मार्केट अलग है डीसी रेट अलग है और ये होना चाहिए एकदम इम्पोज हो दिया तो हमें भी मसाइल हैं कि वाइट एंड ब्लैक के जो मसाइल जो डॉक्यूमेंटेड और अनडॉक्यूमेंटेड पैसा है उनका एक इशू है तो उसके लिए क्या होता है कि स्टेक होल्डर्स को कॉन्फ्रेंस में लिया जाता है उसके मसाइल देखे जाते हैं कि भाई ये इतने सत्तर साल से हम इस ये मामला चल रहा था उसको हम किस तरीके से आगे हम ग्रेजुअली इसको लेके जाएँ तो अगर लोगों को आप इतम में लेकर और उसकी एक प्लानिंग करें कि हम इस ये साल बाद इतना करेंगे इस साल इतना करेंगे तो हम में भी आसानी हो जाएगी लोगों का भी माइंड मेकअप हो जाएगा कि भाई अगले साल हमारा ये रेट होगा अगले साल इसका होगा और आस्ते आस्ते ग्रेजुअली जो है हम आ, मार्केट रेट और एफ रेट और ये सारे जो तीन रेट आहिस्ते आते ख़त्म होकर एक जो है नए रेट पर आ जाएंगे दूसरी बात ये जो आपका जब आपने एफ रेट नया इंट्रोड्यूस कर दिया डी रेट आपका सपोज़ दस रुपये था तो एफ बी आर रेट सौ रुपये हो गया और मार्केट रेट आठ पाँच छः सौ रुपये पर है तो आप उस पर जो आपका टैक्सीस का स्लैब था वो आपने कम करने के बजाय बढ़ा दिया जो आप टैक्स सपोज सौ रुपए दे रहे थे वह आप दो हज़ार रुपये देना शुरू कर दिया तो असूला जब आप अपना रेट जो है रिवाइज़ करते हैं तो उसके ऊपर जो टैक्सी हैं उनका स्लेब जो है ना ग्रेजुअली नीचे करना चाहिए ताकि लोगों की जो ट्रांजेक्शन कॉस्ट है वो वही आ जाए और ख़ुशी से देना शुरू कर दें जब आप अपना स्लैब बढ़ा देंगे तो ट्रांजेक्शन कॉस्ट तो जो है आप एक प्लॉट या जो भी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर रहे हैं दस रुपये में वो एकदम आप हज़ार रुपये देने लगेंगे तो आपको भी तकलीफ होगी हो, हाँ, हो तो अगर स, आप अपना स्लैब बढ़ाना चाहते हैं और आ, आपका स्लैब तो फिर आपका जो टैक्स का स्लैब जो है वो आप ग्रेजुअली उसी के हिसाब से ले आएंगे और आपका ट्रांसफ़र कॉस्ट तकरीबन उन्नीस बीस हो या होगी तो आप माइंड नहीं करेंगे तो ये तमाम चीज़ों को साथ ले लेके चलना चाहिए लेकिन हमने रातम रात ख्याल आया रा, सबको लग गया कि करप ये है अनडोक्यूमेंटेड पैसा है और ये सब कुछ है लेकिन उसको अगर हम तरीके से प्लानिंग के से चलेंगे तो किसी को शिकायत का मौका नहीं मिलेगा तो ये तीनों मामलों पे हम देखते हैं कि बड़ी उजलत में और बड़ी विदाउट प्रॉपर थिंकिंग ये चीज़ें इंट्रोड्यूस की गई जिसकी वजह से आप लोगों का कारोबार बहुत बुरी तरह हर से आ, बड़ाग बड़ाग आ, बुरी तरह अफेक्टेड है हाँ। बहुत परेशान है तो हम तो इस शो के ज़रिए यही रिक्वेस्ट कर सकते हैं फाजिल अदालतों से कि भाई प्लीज़ इसको देखें और फिलहाल एकदम से इतनी सख्ती ना करें आप बिहार से भी यही कहेंगे कि भाई ग्रेजुअली आप इस काम को करें तो ताकि आम लोगों को रिलीफ मिले के साथ साथ में इजाफा करूंगा कि जो भी आप करना चाहते हैं आप पहले से अनाउंस कर दें पाँच साल का प्लान दें आप हाँ। एकदम रात को ख्याल आया जो सुबह जी वो ये आपने ये ये कर आपका है। तो कि आप पहले से बोले कि हमारा अब प्लान है। जी अगले पाँच साल में ये करेंगे आइंदा पाँच साल में ये करेंगे जिस तरह लड़कियां अपनी उम्र छुपाते हैं ऐसे एफ अपनी पॉलिसियां छुपाती हैं तो ये तरीका कार नहीं होना चाहिए तो जो भी चीज़ है हमको भी हम अपने क्लाइंट को भी गाइड कर सकेंगे सर आप इस साल जो आप ले रहे हैं ना तो आपका ये रेट होगा अगले साल के साल के ये बढ़ने वाला है इतना होगा तो इंसान अपनी माइंड प्लानिंग के हिसाब से हर काम वो करेगा सही साहब बहुत शुक्रिया आपके और आम लोगों के जो मसले हैं हम सामने लेकर आते रहते हैं उम्मीद करते हैं कि कोर्ट्स भी हमारी बात सुनेगी और एफ बी भी सुनेगा इसी के साथ इजाज़ चाहता हूँ